मॉडर्न बाबा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चेन्नई में आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट्स की एक टीम ने दुनिया के सबसे टफेस्ट कंपटीशन में भाग लेकर 21वें स्थान हासिल करके अपने लिए जगह बना ली है। इस कंपटीशन का नाम है स्पेस एक्स हाइपरलूप पॉड चैलेंज। आविष्कार कॉलेज के सेंटर ऑफ इनोवेशन की एक टीम जो कि 1600 कॉम्पिटिटर्स को पीछे करके सेलेक्ट हुई। और एक और ख़ास बात यह है कि ये टीम एशिया की एकमात्र टीम है जिसने इस कंपटीशन को क्वालिफाई किया है। तो आइए इसको और डिटेल में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और मॉडर्न बाबा के एक नए एपिसोड में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आविष्कार अब कंपटीशन के फाइनल स्टेज की तैयारी कर रहा है और जल्द ही फाइनल में कम्पीट करेंगे। जो वेसल उन्होंने बनाया है, कहा जा रहा है कि वो इंडिया का पहला पूरी तरीके से ऑटोनोमस सेल्फ प्रोपेल्ड हाइपरलूप पॉड है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हाइपरलूप आखिर क्या है। हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट टेस्ला और स्पेसएक्स के द्वारा एक साथ दिया गया था, जिसको एक टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर इलॉन मस्क ने शुरू किया है। इसको ट्रांसपोर्टेशन के पांचवें माध्यम के रूप में अपनाया गया है। पहले चार रेल, रोड, पानी और हवा हैं। एक हाई स्पीड ट्रेन या पॉड लगभग वैक्यूम ट्यूब में ट्रेवल करेगी। ट्यूब के अंदर कम एयर रेसिस्टेंस होने के कारण इसकी स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर के ऊपर पहुंच जाती है। मस्क ने सबसे पहले हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट 2013 में प्रस्तावित किया था। उनकी कंपनी स्पेसएक्स पॉड के फंक्शनल प्रोटोटाइप्स के डेवलपमेंट में तेजी लाने और स्टूडेंट इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए हाइपरलूप पॉड कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करती है। फाइनलिस्ट के पॉड को वैक्यूम ट्यूब के अंदर मैक्सिमम स्पीड में ट्रैवल करना होता है। वह टीम जो फास्टेस्ट पॉड बनाएगा उसको इलॉन मस्क से बात करने का मौका मिलता है। हाइपरलूप का एक प्रपोज प्लान मुंबई और पुणे के बीच है। एक्सपर्ट का यह मानना है कि ये प्लान इस ट्रैवल टाइम को 180 मिनट से कम करके 20 मिनट तक कर देगा। महाराष्ट्र सरकार पहले से ही एक ब्रिटिश फर्म वर्जिन हाइपरलूप के साथ काम कर रहा है और ट्रायल कर रहा है कि यह सक्सेस हो जाए। अब जानते हैं आविष्कार का हाइपरलूप पॉड क्या है। टीम आविष्कार 30 स्टूडेंट से बना है जो कि अलग अलग साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। श्रेयस जो कि आविष्कार के स्टूडेंट लीड हैं ने कहा, हमारे टीम ने पहले 2018 में भी इसके लिए ट्राई किया था पर सेकेंड राउंड में फेल हो गए। पॉड की और भी खासियत बताते हुए टीम ने कहा, हम एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आए जिसे ब्रशलेस डीसी कहा जाता है। अभी तक यह बहुत पावरफुल और एफिशिएंट है। बैटरी बिना इन्वर्टर के सीधे मोटर से कनेक्ट होती है और बीच में कोई गियर बॉक्स नहीं होता है। हमने 15,000 आरपीएम से अधिक की मोटर का परीक्षण भी किया है। चेसिस में हल्का कार्बन फाइबर बॉडी लगा है जिसमें एक हाई पावर बैटरी पैक भी लगा हुआ है जिसका वजन 20 किलोग्राम से कम है और 900 से ज़्यादा एम्पियर आउटपुट पावर देता है। पॉड 3 बैटरी पैक का यूज़ करती है प्रत्येक मोटर, सेंसर और इमरजेंसी ज़रूरतों के लिए। आविष्कार के पॉड के टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करते हुए आईआईटी मद्रास के डीन शिव कुमार का कहना है, इस वक्त ट्रेन, बसें या फ्लाइट में काफ़ी फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस है और इनमें काफ़ी एनर्जी बर्बाद होता है, जबकि मैग्नेटिक लेविटेशन ग्राउंड के फ्रिक्शन को बचने के लिए है और वैक्यूम ट्यूब एयर ड्रैग और फ्रिक्शन को कम कर देता है। यह एक तरह से देखा जाए तो यह ट्रेन है जो कि वैक्यूम पाइप में रेल के बिना कनेक्शन में आए कुछ इंच ऊपर चलती है जिससे फ्रिक्शन लगभग ख़त्म हो जाता है। हमारे स्टूडेंट्स बिल्कुल तैयार हैं और वे लगातार अपने इस मॉडल पर टेस्ट कर रहे हैं और हमें यकीन है कि मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। एरोस्पेस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर सत्य चक्रवर्ती ने कहा, हमारे स्टूडेंट्स कैलिफोर्निया जाएंगे और कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। पॉड 1 मील दूरी के ट्रैक में टेस्ट होगा। अगर ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल रहा तो यह 15 मीटर तक बड़ा किया जा सकेगा जो कि एक बस के साइज के बराबर है। टीम कैंपस में 3 मीटर ट्रैक में भी टेस्ट कर रही है। टेस्ट और चेक के और भी राउंड कंप्लीट करने के बाद टीम कैलिफोर्निया जाएगी और 21 जुलाई को 20 और फाइनलिस्ट के साथ कॉम्पीट करेगी। तो अब जानते हैं कि आगे का क्या स्कोप है, इसको बनाने का आखिर मतलब ही क्या है। तो टीम का यह कहना है, एक बार यह टेक्नोलॉजी प्रूव हो जाए
फिर ये क्रांतिकारी ट्रांसपोर्ट के साधन के रूप में देखा जा सकता है। अगर पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट लगाया जाए तो ये चेन्नई से बेंगलोर तक की 500 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट से भी कम में तय कर लेगी। हालांकि हमने पॉड बना लिया है, हमें वैक्यूम टेक्नोलॉजी को और भी अच्छे से सीखना होगा। आविष्कार के काम ने अपने काम से सेंटर का अटेंशन अपनी ओर काफी खींच लिया है। प्रणीत मेहता, जो कि मार्केटिंग और स्पॉन्सरशिप टीम के हेड हैं, ने कहा, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज डिजाइन करना ही था। हाइपरलूप एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है और हमारे पास कोई पहले से मटेरियल नहीं है जिसे हम रिफर कर सकें, इसलिए हमें आइडियाज और कॉन्सेप्ट आने के बाद आगे बढ़ने से पहले प्रोफेसर से अप्रूवल लेना पड़ता था। हाइपरलूप पॉड के इवेंट के बारे में शिव कुमार ने कहा, हमें इलॉन मस्क को धन्यवाद देना चाहिए कि वे इस चैलेंज को सभी के लिए ओपन रखा और हमारे स्टूडेंट्स ने भी इस चैलेंज को लिया। तो ये था दोस्तों हमारा वीडियो इलॉन मस्क के हाइपरलूप पॉड चैलेंज के बारे में। ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे भारत के लोग इस कॉम्पिटिशन का हिस्सा बने और दुनिया के कई देशों में आए लोगों से आगे निकल कर देश का नाम रोशन किया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही शानदार जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो जान सकें कि भारत के पास क्या क्षमता है। तो फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।